कि देखो जी गीता जो है ना ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई साइंस का तो ग्रंथ है नहीं, लेकिन भगवान को क्या पता कि संसार में कितनी दूर पे सुमेरु पर्वत है कि नहीं है। उस जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हमने तो ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, इसके चार सर होते हैं आप तो मान रहे हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गीता तो ये कह रही है कि सूर्य घूमता है चारों तरफ, और भी बहुत सारी बातें इसमें आ रही है, जैसे सुमेरु पर्वत का जिक्र आया, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुमेरु हूं। सुमेरु के बारे में किसी को कुछ आइडिया है कितना ऊंचा माउंटेन है? पहली बात तो हमें नजर ही नहीं आता, साइंस बोलती है, साइंस के हिसाब से सुमेरु ऐसा कोई पर्वत नहीं है, राइट? बट हमारे वैदिक शास्त्रों में सुमेरु का वर्णन है। लगभग 100 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे साइंस के हिसाब से। सुमेरु कितना है? 12 लाख किलोमीटर। स्वर्ग को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है सुमेरु। अब आप बताओ कि गीता सही है या मॉडर्न साइंस सही है, कैसे समझा जाए इस चीज को, क्या रिकंसिलेशन है इसका? आज की जो सोच है ना, मॉडर्न जो सोच है, सो कॉल्ड हिंदू सोच है ना, वो प्रयास कर रहे हैं कि हर इस बात को हम साइंटिफिकली प्रूव कर दें। जैसे गाय का गोबर पवित्र होता है सबको पता है, अब वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया तो उसको सब लोग मानने को तैयार हैं इस चीज को। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आप साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हो, यानी रिकंसाइल हो गई, वो जो वेदों में लिखा गया है वो आपने मान लिया, समझ लिया। बट सुमेरु पर्वत को रिकंसाइल किया जा सकता है? सुमेरु पर्वत तो नहीं नजर आ रहा है। सूर्य स्टेशनरी है या चलायमान है, इस चीज को कोई रिकंसाइल कर सकता है? तो कैसे समझा जाए इस चीज को, क्या करना चाहिए हमको? मान लीजिए कि एक थॉट प्रोसेस बोलती है कि देखो जी गीता जो है ना ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई साइंस का तो ग्रंथ है नहीं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें आध्यात्मिक शिक्षा हमें इसमें से लेनी चाहिए। तो भगवान की हम वो उन बातों को तो मानते हैं जो भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से कही हैं, लेकिन ये जो इस तरीके की जो चीजें भगवान ने कह दी है ना, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो गीता कोई साइंटिफिक ग्रंथ तो है नहीं। कि ठीक है, भगवान भगवान है, मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, इतनी बात मैं मानता हूं, लेकिन भगवान को क्या पता कि संसार में कितनी दूर पे सुमेरु पर्वत है कि नहीं है। उस जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, 5000 साल पहले तो कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, तो कैसे पता लगेगा? कहीं से किसी ने बोल दिया होगा, तो भगवान ने बोल दिया। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एक प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तीते। भगवान क्या कह रहे हैं कि सारी की सारी जो भौतिक सृष्टि है इसको चलाने वाला कौन है? मैं हूं। भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि ठीक है, मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि करी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चार सिर वाला व्यक्ति देखा है? देखा किसी ने? हाथ खड़ा करो। किसी ने चार हाथ वाला व्यक्ति देखा? नहीं देखा। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? चार सिर हैं। भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? चार हाथ हैं। अब आप इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? भाई आपको कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई हमने तो ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, इसके चार सर होते हैं आप तो मान रहे हो, लेकिन अगर हम भगवान की कुछ बातों को चैलेंज करने लग जाएंगे, अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से उसको रिकंसाइल करने का प्रयास करने लग जाएंगे, तो हमें बहुत सारी बातें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि कोई ब्रह्मा जैसा कोई एंटिटी हो सकता है जो ब्रह्मांड का इंजीनियर है। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि कोई भगवान विष्णु हो सकते हैं जिनके चार हाथ हैं। हमारे अंदर, हम सबके अंदर चार डिफेक्ट्स हैं। क्या डिफेक्ट्स हैं? हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इंद्रियां हमारी सीमित हैं। हमारे पास क्योंकि इंद्रियां सीमित हैं, इसीलिए हम गलतियां करते हैं, और हम गलतियां करते हैं, हम इल्यूजेंट हो जाते हैं, इसलिए हम गलतियां करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और हमारे अंदर चीटिंग टेंडेंसी है, हम चीट करना चाहते हैं। तो ये चार कमियों की वजह से, जैसे उसको अगर हम लॉजिकली प्रूव करेंगे, तो जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो मनुष्यों से बेटर है, राइट? हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में सुन सकते हैं, वो हमसे ज्यादा भी सुन सकता है, हमसे ऊंची फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, नीची फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है। तो जब वो ऐसा कर सकता है, इसका मतलब साउंड एग्जिस्ट करती है, ट्रैवल करती है उन फ्रीक्वेंसीज में भी, बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको समझने के लिए। तो इसीलिए हमें शास्त्र की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज नहीं है उन सब चीजों को समझ पाने की, देख पाने की। अल्टीमेटली हम साइंटिस्ट का भी तो फेथ ही कर रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई एक एटम होता है, तो कोई हम क्या प्रूव कर सकते हैं एटम होता है? वो तो हम किसी की वाणी पे विश्वास कर रहे हैं ना। तो फिर जो व्यक्ति अच्युत है, जो कभी गिर नहीं सकता, जो हमेशा हर चीज में, हर कंडीशन में परफेक्ट रहता है, हमें उसकी बात का विश्वास करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ना कि उन साइंटिस्ट का जिनका ना तो कोई चरित्र है, ना उनकी कोई नॉलेज है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया स्टार्टिंग में,
जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो अगर मैं एग्जाम में ये लिखता कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं तो मुझे फेल कर दिया जाता या उन्हें नंबर काट दिया जाता। और आज अगर कोई लिखेगा कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं तो आज नंबर कट जाएगा। तो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उनकी नॉलेज अपूर्ण है, उनके सेंसेस परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट नॉलेज नहीं बताते, हमको नहीं बता सकते।